जयपुर के पनकी थाने में केडीए के सहायक जोनल अधिकारी समेत 12 आरोपियों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि अफसरों ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर रतनपुर की एक कॉलोनी का फर्जीवाड़ा कर बैनामा करा दिया। कोर्ट के आदेश पर पीड़ित महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है। अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पी रोड निवासी आशा चौरसिया की रतनपुर में केडीए की एक ईडब्ल्यूएस कॉलोनी उनके नाम पर आवंटित थी। आरोप है कि केडीए के सहायक जोनल प्रभारी शशि भूषण राय, क्लर्क लोकेश नारायण, रामकृष्ण कुरील, कुलदीप कमल और मुक्कू ने मिलीभगत कर एक अन्य महिला को उनकी कॉलोनी का बैनामा कर दिया। पीड़ित के फर्जी हस्ताक्षर बनाए गए। जानकारी पर पीड़ित ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। इन सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं एडीसीपी पश्चिम ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पनकी थाने में सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और सभी आरोपियों के खिलाफ जांच भी की जा रही है। देखिए, ये केडीए के 12 कर्मियों के विरुद्ध थाना पनकी पर 156-3 कोर्ट के आदेश पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस मामले में विवेचना की जा रही है और विवेचना से जो साक्ष्य मिलेगा, जो एविडेंस मिलेंगे, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या धोखाधड़ी का कोई मामला सामने आया जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया? ये मुकदमा तो उसी में लिखा गया है धोखाधड़ी के मामले में, लेकिन अभी तो विवेचना प्रचलित है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।